भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आज ही FIR दर्ज की जाएगी। देश भर में इस मुद्दे के गरमाने के बाद शुक्रवार को सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस मामले में तुरंत FIR दर्ज की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान रेसलर्स ने सुरक्षा की मांग भी की। उन्होंने कहा कि उनकी सुरक्षा के लिए स्पेशल टास्क फोर्स को तैनात किया जाए। फिलहाल कोर्ट ने मामले की आगे की सुनवाई अगले सप्ताह के लिए स्थगित कर दी है। सुनवाई के दौरान बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज 40 मामलों का जिक्र भी किया गया। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्हें महिला रेसलर्स की सुरक्षा की चिंता है। उनके पास इसके सबूत हैं कि धरने पर बैठे रेसलर्स को खतरा है। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि पुलिस कमिश्नर वहां मौजूद है, वे सुरक्षा संबंधित चीजों को संभाल लेंगे। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में महिला पहलवानों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए निर्देश जारी करने का आग्रह किया। दिल्ली पुलिस की ओर से पेश SG तुषार मेहता का कहना है कि पुलिस इन सभी चिंताओं का समाधान कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नाबालिग लड़की को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को खतरे की आशंका का पर्याय आंकलन करने और नाबालिग लड़की को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया। दिग्गज पहलवान दिल्ली में बृजभूषण शरण सिंह पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों पर कार्रवाई की मांग को लेकर जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, PDTV भारत।